हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे ब्रोमोहेक्सिन एलिक्सर के बारे में। जानेंगे ये क्या है, किन किन कंडीशन में आप ये एलिक्सर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वार करता है, क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या डोज इसका होता है और किन एज कैटेगरी के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स में जानेंगे ब्रोमोहेक्सिन एलिक्सर के बारे में, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, ब्रोमोहेक्सिन एलिक्सर जो कि इप्का के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है और MRP की बात देखा जाए 140 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, जो कि 120 ml का होता है। तो बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन इसमें एज इक्वल टू, जैसे कि इसकी ब्रांड नेम है ब्रोमोहेक्सिन, वो ब्रोमोहेक्सिन इसके अंदर में डाला गया है। तो बात किया जाए ब्रोमोहेक्सिन क्या है। ब्रोमोहेक्सिन एक प्रकार की म्यूकोलाइटिक मेडिसिन है। तो यूज कहाँ पे आप करेंगे, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको खांसी आता है और खांसी आने के साथ साथ आपकी ज़्यादा बलगम्स हो जाता है या कफ जमा हो जाता है, जो कि कफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसी में आपकी विंड पाइप हो या आपकी लंग्स हो या आपकी जो नाजल होता है उसमें पूरा कफ जाम हो जाता है और ये सही तरह से निकल नहीं पाता है और आपको चेस्ट में डिस्कंजस फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर हम ये ब्रोमोहेक्सिन एलिक्सर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, आपकी एयरवे में जो भी म्यूकस होता है उसको थिन करता है और उसको लूज करके ये बाहर निकालने में आपको ज़्यादा मदद करता है। तो बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। डोज आप क्या इसकी ले सकते हैं, डोज देखा जाए तो आप आपके डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये एक एडल्ट पर्सन 10 ml दिन में 3 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सिरप को आपको मिनिमम 14 दिन तक इस्तेमाल करना है। अगर आप 14 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप इसको इस्तेमाल कीजिए, अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप ये सिरप को छोड़िए। तो बात करेंगे साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। साइड इफेक्ट जनरली म्यूकोलाइटिक ड्रग है तो ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। आपकी कानों में थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकता है, स्किन में एलर्जी टाइप की या रॉस टाइप की हो सकता है और कई बार हेडेक या आपको डिजीनेस की फील हो सकता है। तो ये कुछ, तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये एलिक्सर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, आपके दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए ताकि आपको ऐसी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर समय समय पर मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।